रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। विश्वकर्मा चौक स्थित सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लगाया रक्तदान शिविर। सैकड़ों लोगों ने किया रक्तदान। जनपद मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा चौक स्थित एक रेस्टोरेंट पर ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में चिकित्सकों युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार वह सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं, लगातार वह रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं। आज उसी कड़ी में उनके द्वारा यह रक्तदान शिविर लगाया गया है। रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य है कि जिससे कि किसी भी गरीब व्यक्ति की रक्त की वजह से जान ना जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा मिस्टर सुहेल गौर। ये ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन है, एक संगठन है ये जो हेल्थ के ऊपर वर्क करता है। इसी के माध्यम से ये आज जो ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया है, और ये ब्लड डोनेट करने का माध्यम ये रहा जो कि जितने भी गरीब लोग हैं, देखिए एक यहाँ से यूनिटी ये जाती है, जो ब्लड बैंक जो ब्लड जाएगा ये बैंक के अंदर जाएगा, ठीक है नहीं। और जिसको भी हमारे डॉक्टर भी हो सकता है, जो भी हमारा ग्रामीण डॉक्टर, उनको भी नीड हो सकती है, या अदरवाइज किसी का भी नाउन हो सकता है पूरे क्षेत्र के अंदर, जिसको भी ज़रूरत होगी वो ग्रामीण एसोसिएशन जो है ना ब्लड उसको प्रोवाइड कराएगी। कितना टारगेट रखा गया है यहाँ पर डोनेट का? जी सर, टारगेट कितना रखा गया है? टारगेट हमारा 70 से 100 के आसपास यूनिट का है। अभी तक जो है ना 50 यूनिट हो चुकी है, अभी कार्यक्रम चला हुआ है, देखते हैं कितनी होती है। आपको कैंप कब लगता है? जी कैंप जो लगता है आपको कब कब लगता है? ये अभी जो ब्लड डोनेट का है ये फर्स्ट है हमारा, इससे पहले हम अदरवाइज दूसरे ब्लड वो कैंप भी कर चुके हैं। जो हमने कैंप किया है वो हमने कैंप किया है उसमें हम मेडिसिन फ्री प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी ब्लड टेस्ट होता है वो फ्री प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह के हमने कैंप जो है ना 10 से 20 के आसपास हमने कैंप करा चुके हैं अलग अलग गाँव में।